पूरी जिंदगी मेहनत कर जिन बच्चों को पढ़ाया लिखाया, उन्हीं बच्चों के लिए बुढ़ापे में माँ का सहारा बनना मुश्किल हो गया। बेटों के पास करोड़ों की धन दौलत है, लेकिन माँ की सेवा का वक्त आया तो वृंदावन की गलियों में बेसहारा छोड़ दिया। इतने इतने छोड़ के बाप मर गया था, चार बच्चों को पाला, ये हाथ टूट गया, खेतों में काम किया, स्कूल में पढ़ाती थी प्राइवेट, जो मुझे मजदूरी मिली बच्चों को पढ़ाना, स्टैंड करना, उनकी शादी करना, बच्चों को खेलनी, तो उसमें गई, मेरा हाथ टूट गया, फिर भी टूटे हाथों से खेतों में काम करके उनको रोटी दी। बहुत हाथ से बार दुख होता है, दिमाग टेंशन में जाता है, हाथों में दर्द होती है कि पिछले पाप होंगे। मैं कहती हूँ पाप के पुतले बन कर आए, उनके चेहरे देखो, शेरवानियाँ डाली हुई हैं, कोठियाँ हैं, कारें चल रही हैं, क्या कि मेरे नसीब ख़राब है, फिर भी रोटी तो तुम्हें दे रही हूँ, रोटी मेरे हाथों में, हर प्रकार का मेरे पास हुनर है। जिनको परिवार वालों ने छोड़ दिया, उनकी सुध भला सरकार भी क्यों लेती। इसीलिए साल 2008 में एक गैर सरकारी संगठन की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वृंदावन में रह रही विधवाओं का हाल जानने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग को एक रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा था। आयोग ने 2010 में जो रिपोर्ट पेश की, उसके आंकड़े वृंदावन की विधवाओं के आंसुओं की कहानी परत दर परत पेश करते हैं। आयोग के मुताबिक यहाँ रहने वाली औरतें 56 से 90 साल की हैं, जिनमें से 60% औरतों की उम्र 60 साल या उससे ज्यादा है। लेकिन यही वह उम्र भी होती है जब बुजुर्गों को सबसे ज्यादा देखभाल, खान पान और सुविधाओं की जरूरत होती है। लेकिन ये सुख तो छोड़िए, बुनियादी सुविधाएं जैसे बिजली, पानी और चिकित्सा से भी ये विधवाएं महरूम हैं। आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक वृंदावन में विधवाओं के लिए 3 तरह के आश्रम चलते हैं, जिनमें सरकारी, गैर सरकारी और गुरुओं की तरफ से चलाए जा रहे आश्रम प्रमुख हैं। जिन औरतों को यहाँ जगह नहीं मिलती, वो किराए पर रहने को मजबूर हैं। सरकारी योजना के तहत तो एक तो यह है कि वृंदावन में आते वक्त ही एक पंजीकरण को अनिवार्य कर दिया जाए, आने की वजह और स्थितियां पता हो और आने के साथ जुड़ी हुई उम्मीदें क्या हैं, और डीएम के मार्फत इस योजना को बड़ी आसानी से लागू किया जा सकता है। अगर आपके पास पंजीकरण है तो आपको पता होगा सालाना तौर से कितने इतने निराश्रित लोग वृंदावन की तरफ आते हैं, तो योजना को लागू करने में शायद ज़्यादा आसानी रहेगी। हकीकत की जमीन पर इन विधवाओं के लिए ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। इन विधवाओं के लिए सबसे बड़ी समस्या रहने और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी है। जरूरत है कि करीब 6,000 विधवाओं के रहने और खाने के बेहतर इंतजाम किए जाएं, ताकि ये विधवाएं भी सर उठा के जी सकें। साथ ही ज्यादातर महिलाएं अनपढ़ हैं, जिसकी वजह से अपने हक के लिए आवाज भी नहीं उठा पाती हैं। इनके लिए प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चलाए जाएं, ताकि इन्हें अपने अधिकारों के बारे में जानकारी मिले। और एक बड़ी बात है, इन विधवाओं के परिवारों का बेरुखी भरा रवैया। अगर मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजंस एक्ट 2007 को सख्ती से लागू किया जाए तो हालात सुधर सकते हैं। इस उम्र में ये माएं चाहती हैं तो बस प्यार के दो शब्द और कोई ऐसा जो उनके अकेलेपन में उनका सुख दुख बांटे। जैसे हम बच्चों को गोद लेते हैं, ठीक उसी तरह हम और आप इन माओं को भी सहारा दें। खाली वक्त में उनसे मिलने चले जाएं, ताकि दो पल के लिए ही सही उनके चेहरे पर खुशी आए। यदि इस देश के लोग हैं जो एक माता को भी अपने पास हम गोद लेना नहीं कहते हैं, उनको सुविधा के लिए अपने पास रख लें और जो भी करें या गोद ले सकते हैं, तो एक माता को यदि एक आदमी हेल्प कर दे तो टोटल तो 4 करोड़ विधवाएं हैं ही हैं देश में, और शायद विधवाएं तो बाहर में हैं ही नहीं, जो घरों में है, असंपन्न घरों में है, विधवा तो हैं पर संपन्न घरों में है, उनको तो कुछ चाहिए नहीं। ऐसे ही लोगों को चाहिए जो उपेक्षित हैं, तो उनकी संख्या जाए तो है ही नहीं। सोचिए, ये महिलाएं जिन्होंने दूसरों की हर इच्छा पूरी की हो, आज छोटी छोटी जरूरतों के लिए मोहताज हैं।
ना जाने कितनी बार अपने बच्चों की फरमाइश पर मीठी खीर स्वादिष्ट खाना खिलाया होगा, लेकिन आज उम्र के इस पड़ाव पर आकर एक रोटी के लिए भी इन्हें किसी दाने का इंतजार करना पड़ता है। ये विधवाएं दिन रात कोशिश करती हैं कृष्ण भक्ति में डूबकर अपने सारे रिश्तों को भुलाने की। खुद को भूल जाने की छोटी छोटी इच्छाएं सर ना उठाएं, पेट की आग मन को ना जलाएं, अपनों की यादें ना सताएं, इसीलिए राधे राधे जपते दिन काट रहे हैं। ना उम्मीदें हैं ना आस है, बूढ़ी बेबस आंखों को बस इंतजार है वृंदावन की मिट्टी में मिल जाने का। रिश्तों की ना नातों की बात है ये तो जज्बातों की।